हमास ने इसराइल पर हमला तो कर दिया, लेकिन उसका पलटवार झेल पाना हमास के लिए शायद मुश्किल होता जा रहा है। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो अपने ऊपर किए गए हर एक हमले का सटीक और सही हिसाब लेता है, और वही हिसाब लेने से पहले इसराइल के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि अब मिडिल ईस्ट की जो तस्वीर है वो बदलने वाली है और आने वाले समय में आपको एक नया मिडिल ईस्ट देखने को मिलेगा। इसी के तहत इसराइल लगातार गाजा पे हवाई हमले के साथ साथ मिसाइल से हमले कर रहा है, और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक नया मिडिल ईस्ट देखने को मिल सकता है। इसी के तहत हमला जब इसराइल ने शुरू किया तो हमास के आतंकियों को भागने के लिए जगह नहीं मिली, और ऐसे में अब हमास के आतंकी ही नहीं, गाजा के वो तमाम लोग, फिलिस्तीन के वो तमाम लोग अब भाग के पलायन की स्थिति में आ गए हैं, और वो पलायन बगल के ही मुल्क मिस्र की तरफ हो रहा है। ऐसे में मिस्र खुद पे दबाव महसूस कर रहा है, और मिस्र के प्रधानमंत्री ने अब बातचीत से मसले का हल निकालने की बात कहनी शुरू कर दी है, जिसके बाद ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमास बैकफुट पे भी आया, और इन तमाम हमलों के बाद हमास की तरफ से भी ये बयान जारी किया गया कि हमास को भी इसराइल में इतनी भारी तबाही का अंदाजा नहीं था। हमास की तरफ से ये बयान जारी करके कहा गया कि हम 40-50 लोगों को बंधक बना के अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसराइल में इतनी बड़ी तबाही हो जाएगी। और अब जब तबाही हुई है तो इसराइल भी पूरी तरह से मिडिल ईस्ट का जो तस्वीर है, जो नक्शा है, वो बदलने के लिए तैयार हो गया है।